बच्चा है 12-13। ये क्या है? अच्छा चलिए, एक बार ग्रुप में मैसेज कर देना कि ज्वाइन कर लो। देखो सारे स्कूल चले गए, सिर्फ 12 बच्चे यहाँ पे नहीं गए। चलो अपन स्टार्ट करते हैं, समझ में आएगा, है ना? चलो चले। ओके वो बताओ मुझे आज डेट क्या है? 3 नवंबर 2023। अब मुझसे बार बार मत पूछना कि मैम क्या करना है क्या नहीं करना, मैंने बता दिया कि क्या करना है। अच्छा पहले तुम ये बताओ, मैंने तुम्हें वाइनिक इक्विलिब्रियम के फ्लैश कार्ड दिए थे, नहीं पर देखे क्या तुमने उसको? किसी बच्चे ने रिएक्ट तक नहीं किया और 12th वालों ने तो हल्ला मचा रखा था। किसी ने देखे? देखा था मैम, देखे हाँ देखे तो रिएक्ट तो किया करो, मिल गया कुछ है, देखे हैं या नहीं देखे हैं? ऐसे ही भेजू क्या मैं या रहने दूंगी? नहीं भेजती। थे। ठीक है, तुम लोगों के लिए भेजती हो और तुम ही नहीं बात वो करते हो रिएक्ट की मैम मिल गए। ठीक है, ये बेसिकली जैसे मैं तुम लोगों को एग्जाम डोज बना के देती हूँ ना, मैं थोड़ा इसका बता देती हूँ क्या है बेसिकली। ये ऐसे ऐसे मेरे पास हर चैप्टर के ऐसे कुछ कार्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है? तो जैसे भी मैंने तुम इक्विलिब्रियम का भेजा, 4 कार्ड्स इक्विलिब्रियम के फॉर्मूले, अगर तुमने देखा होगा तो पूरी इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम के सारे फॉर्मूलाज हैं। ये उन बच्चों के लिए होंगे जिन बच्चों ने पूरे चैप्टर सारे PYQs ये कर लिए। जैसे सपोज तुम्हारा ऑफलाइन टेस्ट है अभी संडे को, है ना? उसकी एग्जाम्पल ले रही हूँ, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो तुम लोग अपना ट्रेवल वगैरह तो करोगी, है ना? ये घर से निकलने से पहले कुछ बच्चों को होता है अरे लास्ट में क्या देखें, तो लास्ट में ये बहुत अच्छे रहते हैं देखने के लिए। और तुम्हें एक चीज बताऊं, नीट दो जो अभी तक पेपर हुआ है नीट के 4-5 सालों के, 60% जो क्वेश्चन है, 60% क्वेश्चन इन्हीं कार्ड से आया था। अब इन्हीं कार्ड में से क्वेश्चन बन गए थे 60%। ठीक है, तो ये बहुत मैम, बहुत बच्चे का ज्वाइन हेल्पफुल। नहीं हो रहा। बच्चों को ज्वाइन हो रहा है, गूगल मीट लिंक भेजना, गूगल मीट लिंक भेजो बेटा। ठीक है, तो इसलिए कह रही हूँ जो चीज भेजते हो एक बार देख लिया करो, कोई तुम्हारे तुम्हारे काम के लिए भेज। तो मैंने क्या करने है, मेरे पास तो पड़ी ही है, मैंने तो पढ़ने नहीं है, है ना? तो तुम लोगों के लिए भेज दो, थोड़ा सा देख लिया करो। ये लास्ट टाइम के काम है, जो होता है ना लास्ट टाइम पे तुम लोग नोटबुक वगैरह खोलते हो, उसकी बजाय ये कार्ड पढ़ लो, फटाफट माइंड में बैठ जाएंगे वो फॉर्मूले। ठीक है, और बहुत अच्छे बने हुए हैं। कौन कह रहा है क्लास ज्वाइन नहीं हो रही? कोई भी नहीं कह रहा। फिर यहाँ पे क्यों बोल रहे हो क्लास ज्वाइन नहीं हो रही? ठीक है चलिए आइए। यहाँ पे फर्स्ट टाइम कौन आया बच्चे मेरी क्लास में? मुझे आज नए नए क्यों बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे? हैंड रेस करो एक बार। मेरे कुंश, अच्छा बच्चे आप अभी ज्वाइन हुए हो अवंती में या वैसे ग्रुप में ऐड हो? चलिए ठीक है, मैम, करें मुझे एक स्टार्ट। चीज पूछनी चलो है। नहीं, हाँ पूछो ना, बोलो। मैम, जो वेन्यू आया था मेजर टेस्ट का, उसमें तो बस रिपोर्टिंग टाइम हाँ 10 AM ही लिखा है, इवनिंग शिफ्ट का तो है ही नहीं। इवनिंग शिफ्ट का नहीं है बेटा। देखो इवनिंग शिफ्ट का ना लास्ट टाइम तो था, इस बार ना थोड़ा कंफर्म करना पड़ेगा कि एक ही टाइम पेपर है दो टाइम। जहां तक मुझे लग रहा है ना, लास्ट टाइम 12th का था तो उन्होंने इवनिंग शिफ्ट रख दिया। अब पता नहीं वो मतलब होगा या नहीं होगा, एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, मैं करके बताऊंगी आज तुम्हें। ठीक है, एक बार याद भी दिलवा देना। करें स्टार्ट जल्दी, बोलो थम्स अप। जोश होना ओके चाहिए, सुबह सुबह का टाइम है, बीच है ना, बच्चे कम हैं, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है चलिए, और आई होप कि जो कल वाली क्लास थी वो हेल्पफुल रही होगी, इसलिए प्लीज उसको अच्छे से कर लेना। जो जो चीजें मैंने उसके अंदर करवाई थी, सारे मैंने ऑलमोस्ट सारा आयनिक इक्विलिब्रियम कवर करवा दिया था। सोल्युबिलिटी वाला वाला टॉपिक आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उस पे तुम्हें डाउट रहता है तो आप मेरा जो डिटेल रिकॉर्डेड लेक्चर है उसे प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम रहेगा, राइट? और केमिकल इक्विलिब्रियम जल्दी मैं क्लास में पहले कराती हूँ, बाद में मैं आयनिक कराती हूँ, बट ऑन योर डिमांड मैम पहले आयनिक कराओ, तो मैंने फिर आयनिक करवाया। ठीक है, तो सबसे पहले ना तुम्हें आइडिया होना चाहिए इक्विलिब्रियम होता कैसे है, इक्विलिब्रियम है होता क्या है। तो बेसिकली आप लोगों को पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम क्या है,
आने जाने का रेट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। जितना रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन का होगा मतलब आगे जाने का होगा, उतनी सेम स्पीड पे क्या होगा बैकवर्ड रिएक्शन होगा, यानी कि मैं बोल सकती हूँ रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके ग्राफ भी मैं अभी तुम लोगों को बताऊंगी और पूछूंगी भी, क्योंकि एक डेफिनेशन, दो चीजें हैं इसमें ध्यान रखने वाली, एक तो ये कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होती है, दूसरी ये चीज है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट एट हाँ कॉन्स्टेंट होती है, इक्विलिब्रियम। कॉन्स्टेंट होती है एट इक्विलिब्रियम, जरूरी नहीं है कि सेम हो, मतलब सेम हो भी सकती नहीं भी हो सकती, बट कॉन्स्टेंट होनी चाहिए, अगर कॉन्स्टेंट नहीं है तो इक्विलिब्रियम नहीं अचीव होगा। तो ये दो मेन कंडीशन है, ठीक है। जैसे मैंने ग्राफ बनाया हुआ, क्या तुम्हें दिख रहा है कि रेट वर्सेस टाइम का है, ये क्या है आपका प्रोडक्ट की, देखो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगी इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव हो जाएगी, मतलब जितनी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है उतनी आपकी बैकवर्ड में हो रही है, यानी कि बोलने का मतलब है जितनी स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतनी सेम स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। अब कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है, एक मिनट को, हाँ उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ग्राफ बताना चाहूंगी। देखो बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों के आगे ग्राफ बनाती हूँ, जैसे मान लो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, तीन चार ग्राफ बना रही हूँ, आप मुझे बताना कौन सा सही है, ठीक है। यस मैम। रेट ऑफ मैम सी रिएक्शन वाला सही है। बन, तो कुछ बनाया ही नहीं अभी बनाने तो दो, ठीक चलो। ए बी सी पहले मैम वाला करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, सिर्फ तुम्हें यहाँ पे चलना है, पहले वाला बताओ ए वाला सही है गलत है। मैम सही है। मैम सही है। ठीक है, इस मैम पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट, अगर मान लो ये आपका रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, ऊपर वाला रिएक्टेंट है क्योंकि टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट की टाइम के साथ इंक्रीज होती है, एक टाइम ऐसा आया कि कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंट हो जाए, तो ये डेफिनेशन है इक्विलिब्रियम की। ये वाला देखो ये भी है, क्योंकि देखो एक सही टाइम के बाद कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बच्चों कॉन्स्टेंट हो गई है। ये देखो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, ये है या नहीं है, नो मैम। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। देखो ना ये क्या हो रही है, बराबर तो है ही नहीं, ये इतना है इसका और इसका, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस चीज का बच्चों, यस मैम चलो आगे, यस मैम चलो रेट बराबर यस नहीं है। चलिए उसके बाद आती है करेक्टरिस्टिक। करेक्टरिस्टिक क्या है, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन क्लोज वेसल, क्योंकि अगर आप ओपन वेसल लोगे तो उड़ जाएगी, अगर मान लो कोई गैसियस स्पीसीज आपकी और आपने ओपन वेसल ले लिया तो क्या होगा, उड़ जाएगी गैस, और अगर गैस ही एक्सकेप आउट हो जाएगी तो देयर इज नो मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी था, रेट ऑफ फॉरवर्ड प्रोसेस एट इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज, मेजरेबल प्रॉपर्टीज क्या होती है, प्रेशर टेम्परेचर कंसंट्रेशन कलर डेंसिटी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ये सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या होंगी, कॉन्स्टेंट होंगी टाइम के साथ, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी चेंज हुआ तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये हम कहाँ पढ़ते हैं फिर, ली चैटेलियर प्रिंसिपल में, कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना इक्विलिब्रियम जब अचीव होगा तो जितनी भी ये मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं, अगर मैं लिख दूं प्रेशर टेम्परेचर कंसंट्रेशन कलर डेंसिटी, आगे लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलूं बताइए, मैम आराम से यस समझना, पूरा चैप्टर हो जाएगा, डोंट वरी, क्योंकि आज थोड़ा टाइम ज्यादा है हमारे पास, कल हमारे पास 1 ही घंटा था, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है फोर्थ वाला, देखो स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, जी हाँ, क्या स्टेट है केमिक, मतलब जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे वो हम किससे डिफाइन करेंगे, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट से। तुम्हें पता है अगर हमें केसी के इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, केसी के टर्म्स में बोलो केपी के टर्म्स में बोलो, अगर हमें वो पता है तो हम काफी सारी चीजें प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट हैव कॉन्स्टेंट वैल्यू एट अ गिवन टेम्परेचर,
मैंने क्या बोला था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, स्टार्टिंग में रिएक्टेंट कितना था, प्रोडक्ट कितना बना, डजंट मैटर, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो भैया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी चेंज होगा। Yes, सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैं आगे चल के बताऊंगी, लेकिन ये करेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट पेपर में क्वेश्चन आया था, पता नहीं 2022 में आया था 2021 में आया था, कि बताओ इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, किसके रिगार्डिंग, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो चार पांच स्टेटमेंट दे रखी थी, तुम्हें पता होना चाहिए, जिसमें से करेक्ट आंसर ये था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बच्चे लो ऑफ मास एक्शन। यही अपना सेकंड टॉपिक, लो ऑफ मास एक्शन। तो लो ऑफ मास एक्शन में मैंने एक जनरल इक्वेशन लिख ली, रिवर्सिबल, ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों अगर मान लो मुझे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखनी है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट लिखना है, तो वो क्या होता है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट, कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो उनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उनकी पावर में आ जाता है। नहीं, नोट डाउन नहीं करना है बच्चे, ऑलरेडी आप लोगों के पास डिटेल नोट्स हैं, नोटबुक थोड़ी ना भरनी है, जहां क्वेश्चन आएगा वहां सोल्व करना है आप लोगों को। पीडीएफ में हर एक उस टॉपिक का देती हूँ हर्षित, तो ये मत बोला करो पीडीएफ मिल जाएगा, मैं हमेशा क्लास के जस्ट बाद दे देती हूँ, ठीक है। अगर बच्चों में बैकवर्ड का रेट लिखूं तो बैकवर्ड में फिर ये एज अ रिएक्टेंट बिहेव करेगा, तो क्या होगी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और जो इनकी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो उनकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड के लिए Kf लगाएंगे, बैकवर्ड के लिए Kb लगाएंगे, एंड Kf एंड Kb आर रेट कांस्टेंट। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो मैम। नो मैम। ठीक है, उसके बाद हमें पता है कि इक्विलिब्रियम पे आने जाने का रेट क्या होता है, सेम होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप वो देख सकते हो, क्या वो जो मैंने पानी वाला एग्जाम्पल दिया था, कि आपका पानी की बकेट है, ऊपर से आपने टैप ओपन कर रखी और नीचे से क्या है उस बकेट में होल है और वहां से नीचे से पानी जा रहा है, तो जितनी स्पीड से ऊपर पानी भर रहा है उतनी सेम स्पीड से नीचे जा भी रहा है, और आपको क्या दिखेगा पानी का लेवल सेम है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रही है, रिएक्शन तो हो रही है। ठीक है, मतलब एक्चुअल में पानी तो ऊपर से भी आ रहा है नीचे से भी जा रहा है, लेकिन हमें लगता क्या कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसी सेम रिएक्शन में भी हमें लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन रिएक्शन हो रही है, आगे भी जा रही है पीछे भी जा रही है, लेकिन दोनों का रेट सेम है। क्लियर होनी चाहिए चीजें। ठीक है, उसके बाद हमें पता है एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर है, क्या मैं दोनों इक्वेशन को बराबर कर दूं? यस मैम। और दोनों इक्वेशन को बराबर किया तो मेरे पास के इक्विलिब्रियम क्या आएगा, के इक्विलिब्रियम क्या आ गया, C की पावर C, D की पावर D, A की पावर A, B की पावर B, और K इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और KC भी क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। KC हम कंसंट्रेशन जो ये दिखाया मैंने ब्रैकेट में, ये कंसंट्रेशन को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे KC यूज हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है आपका KC आ गया आप लोगों का। अगर आपके सामने कोई भी रिएक्शन आएगी आप क्या उसके लिए K इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिख लेंगे, कोई भी रिएक्शन है, सपोज ये रिएक्शन है PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 में बन रहा है, तो अगर मैं इसके लिए बोलूं KC तो क्या लिखोगे, PCl3 Cl2 PCl5 ऐसे ही लिखोगे। यस मैम। ठीक है, yes, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद है देखो KP, KP कैसे लिखोगे, फॉर अ जनरल गैसियस रिएक्शन। अगर मान लो कोई भी आपके रिएक्शन में गैसियस प्रोडक्ट है तो उसके लिए केपी डिफाइन हो सकता है। ठीक है, केसी तो कर ही सकते हो, केपी भी कर सकते हो, जैसे मान लो ये सारी गैसियस स्टेट में आपकी, ठीक है, तो इसके लिए केपी कैसे डिफाइन करोगे, प्रेशर की टर्म्स में लिखोगे। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जामिनर जो भी क्वेश्चन देगा उसमें आपको पता लग जाएगा कि प्रेशर के टर्म्स में लिखना है या उसके टर्म्स में लिखना है। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके पार्शियल प्रेशर होते हैं, क्या होते हैं ये पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। और बच्चे पार्शियल प्रेशर निकालते कैसे हैं किसी भी गैस का, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस, याद करो फॉर्मूला बताया था मैंने डाल्टन लॉ स्टेट्स ऑफ मैटर में, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर गैस जिसका आप मोल फ्रैक्शन ले रहे हो, अपॉन कंसंट्रेशन, नहीं अपॉन टोटल नंबर ऑफ,
मोल फ्रैक्शन है ना, नंबर ऑफ मोल बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ध्यान से देख लो इसको, रिवाइज कर लो। क्या बताया, केसी लिखना आना चाहिए, केपी लिखना आना चाहिए, ठीक है। केपी डिफाइन होता है, अगर मान लो एक भी गैसियस नहीं है स्पीसीज तो वहां पे केपी डिफाइन नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, जो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ा था, हालांकि वो चैप्टर डिलीट कर दिया है लेकिन उसका यूज यहाँ हो रहा है ना, और थर्मो में भी होता है, तो वो चैप्टर हमें आना चाहिए। तो पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का निकालना है वो किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, ठीक है। आपको टोटल प्रेशर भी दे सकता है क्वेश्चन में, या एग्जामिनर आपको लिख के दे सकता है कि इक्विलिब्रियम प्रेशर इस रिएक्शन का ये है, तो समझ जाना इक्विलिब्रियम प्रेशर भी क्या होता है तुम लोगों का, टोटल प्रेशर ही होगा, ठीक है। मोल फ्रैक्शन मैंने बता दिया। उसके बाद रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, ये तो तुम लोगों को रट्टा पड़ा होगा, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एनजी, और डेल्टा एनजी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, एन टू प्लस थ्री एच टू टू एन एच थ्री, और ये सारे देखना गैसियस वाले ही है, ध्यान रखना गैसियस वाले, सॉलिड के लिए आप नहीं कंसिडर करोगे नहीं तो गलत आएगा आंसर। तो अगर मुझे डेल्टा एनजी निकालना तो क्या लिखूंगी, टू माइनस थ्री प्लस वन फोर माइनस टू, तो इसमें केपी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर माइनस टू, इसको आप रीअरेंज कर लेना। सेकेंड एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एच टू प्लस आई टू टू एच आई, इसमें क्या होगा डेल्टा एनजी जीरो, तो इस केस में क्या हो जाएगा, केपी केसी के बराबर हो जाएगा। yes, एक और ले लेते हैं एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं, पीसीएल फाइव से बना पीसीएल थ्री प्लस सीएल टू, ये भी सारे गैसियस में थे और जो अभी लिखा है वो भी गैसियस में है, तो इसका डेल्टा एनजी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। और अगर डेल्टा एनजी वन हो गया तो केपी क्या आ जाएगा, केपी इक्वल टू केसी आरटी की पावर वन। क्लियर है, देखो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, ठीक है। आपने देखा होगा टेस्ट और आपने नोटिस भी किया होगा, आपके पीवाई एग्जांपल सही लगते हैं क्या बेटा, मैं आपका समझाने में एग्जांपल बढ़िया लगते हैं बस। अच्छा, और कुछ नहीं लगता बढ़िया, वाओ ग्रेट। अच्छा फिर क्लास में, तो क्लास नहीं है फिर तुम्हारे लिए बेटा, ये क्लास नहीं है तुम्हारे लिए, क्योंकि एग्जाम्पल भी तभी समझ में आएंगे जब मेरा पढ़ाया हुआ थ्योरी वाला पोर्शन समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, है ना। चलिए आइए इधर, उसके बाद है यूनिट ऑफ केपी एंड केसी, ठीक है। आइए, केपी और केसी की क्या यूनिट होगी, इधर इधर ध्यान दो, बातें कोई नहीं करेगा, ठीक है। ओके, केपी एंड केसी की यूनिट कैसे निकालोगे, कभी चैप्टर पढ़ा है बेटा तुमने, ये चैप्टर पढ़ा है कभी, ये रिविजन क्लास में आए हो या बस, हाँ बताना केपी की कैसे यूनिट निकलेगी, एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी। रोहन जी चुप, ठीक है। तो कमेंट करने से पहले 10 बार सोचा करो, ठीक है। हर्षित तुम बताओगे कैसे निकालू यूनिट्स ऑफ केपी, यूनिट्स ऑफ केपी कैसे आएगी एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन जी, पढ़ रखा है ना तुम लोगों ने ये चैप्टर, बताइए। बस चुप, बस चलो आ जाओ, अब मैं बताती हूँ। ओके, तो केपी की यूनिट कैसे निकलेगी, इधर आओ। जैसे एक काम करते, एक सिंपल सी रिएक्शन ले लेते हैं, अभी प्रूफ करके दिखाती हूँ इस चीज को, क्या गैसियस, क्या एक मिनट रुको, हाँ गैसियस स्टेट में है तो क्या, चलो आओ। पीसीएल फाइव से पीसीएल थ्री प्लस सीएल टू बनेगा, ठीक है, प्रूफ करके दिखा रही हूँ इसको बच्चे, ठीक है। ओके, इसका मुझे केपी लिख के दिखा सकते हो आप लोग, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में, पार्शियल प्रेशर ऑफ पीसीएल थ्री, पार्शियल प्रेशर ऑफ सीएल टू डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ पीसीएल फाइव, ठीक है। अच्छा, अब प्रेशर की यूनिट तुम लोगों को पता है ये क्या होती है, एटीएम होती है, ठीक है। ये भी एटीएम में होगा और ये भी एटीएम में होगा, ठीक है। yes, तो एटीएम से एटीएम कैंसिल, तो इस रिएक्शन के लिए क्या यूनिट आ गई, एटमोस्फेयर ही आ गई केपी की यूनिट। और वैसे भी हम अगर चेक करें इस फॉर्मूले को देखो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एटमोस्फेयर की पावर डेल्टा एनजी, और डेल्टा एनजी इस रिएक्शन के लिए क्या है, वन।
तो तुम्हें सारी रिएक्शन में ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डेल्टा एनजी निकालो और पता लगाओ कि यूनिट क्या है। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और आपकी केसी की यूनिट वही होगी, अगर कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिख रहे हो तो मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एच, ठीक है जी। चलो हाँ जी, थम्स अप। चलिए ओके, सृष्टि, सुहानी, सुहानी आज क्या हो गया, चुप चुप हो, दक्ष, नूर सभा, अंकिता, शिवानी, कोमल, ज्योति, ओके। ये नाजो से जिन्होंने ज्वाइन किया है वो कौन है? चलो ये वाला क्वेश्चन मुझे करके बताओ, जस्ट रेज योर हैंड बच्चों, अगर आप लोगों का हो गया है तो। चलो, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द रिएक्शन पी फोर प्लस फाइव ओ टू से बना है पी फोर ओ टेन, फीवर है। अच्छा बेटा तुम्हारा नेम क्या है, ये इसी से ये तुम्हारा नेम है क्या जिससे लॉग इन किया बेटा? अच्छा ओके बेटा, ओके ठीक है। ज्योति ने हैंड रेस कर लिया है, ओके सभी ने कर लिया, पांच बच्चों ने किए हैं, जो बोल रहे थे उन्होंने तो किया ही नहीं है ना। चलिए अंकिता आप बताएंगी, अंकिता मैम इसका ए ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा, ओके। बाकी लोग, लक्ष्य जल्दी बताओ, यस मैम, आंसर बताओ इसका, मैम डी होगा मैम। यही होगा हर्षित, देख देख के बोल रहे हो, कैसे होगा? चलो एक काम हर्षित, प्लीज टेल मी कि ए कैसे होगा, फंस गए हो तुम बहुत बुरी तरह, बोलो मैम डी फॉर डॉगी होगा, ठीक है। तनिष्का हाँ, क्या हुआ बेटा? फोर्थ ऑप्शन कैसे होगा, फोर्थ ऑप्शन कैसे होगा? आवाज नहीं आ रही सृष्टि मैम, डी ऑप्शन होगा क्योंकि सॉलिड स्टेट में है, उसके कर लेंगे। हाँ, और ये तुम्हारा टेस्ट वाला ही क्वेश्चन है जो तुम्हारे टेस्ट में भी आया था और मैंने क्लास के दौरान भी कराया था, ठीक है। मैं अभी चीका चिल्ला चिल्ला के बोला गैसेस वाला, सॉलिड सॉलिड वालों के लिए आप यूनिटी लेते थे, याद करो। यस मैम, लिख दो यहाँ पे, भूल गए, फोर प्योर सॉलिड्स कंसंट्रेशन क्या लेते थे, यूनिटी, ठीक है। और इन एक्वस मीडियम जो लिक्विड की थी, लिक्विड के लिए उसके लिए भी यूनिटी लेते थे। मेरे को भी ये लग रहा था, फिर एकदम से देखा कि वहां पे सॉलिड लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड का मैं नहीं लूंगी, जस्ट आएगा वन बाय ओ टू और पावर क्या आ जाएगी इसकी, फाइव, ठीक है। इतना सिंपल क्वेश्चन तो नहीं लाओगे, हाँ ठीक है। तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा, डी वाला, ठीक है। चलूं, ध्यान रखना, अभी ध्यान रहेगी ये चीजें, तो जब भी आपका इक्विलिब्रियम, देखो ये समझ लेना कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन का क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं देगा, अगर देगा तो पक्का उसने कुछ ना कुछ ट्विस्ट कर रखा होगा, कुछ ना कुछ ऐसे सॉलिड में दे रखा होगा। और देखो ना एग्जामिनर कितना शाना है, उसने क्या किया, पहले ही स्टेप में वो वाला दे दिया जो बच्चे करके आएंगे और तुम्हारा आंसर आएगा ए, ठीक है। तो ये खेल खेलता है, आप इस पे जाओगे ही नहीं, इससे पहले ही ये करवा के नेगेटिव करवाया होगे पांच नंबर। चल ये वाला कीजिए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, अगर वो वाला गलत हो गया ये वाला ठीक करोगे। आपके पास ये रिएक्शन दे रखी, ध्यान से देखना सॉलिड वाले गैसियस वाले, और मुझे केपी और केसी का रिलेशन बताओ, सोच समझ के बताना। चलो करो, दो चार ही टॉपिक हैं इसके, बस ज्यादा नहीं है। हर्षित कह रहा है बी, पढ़ लो जाके हर्षित। मैम मैं बताऊं? बताओ बेटा। मैम ए ऑप्शन होगा क्या? ए होगा, किसने बताया? ए वाला किसने बताया? मैम शिवानी, शिवानी ने, ओके। कोमल आप बताएंगी, कोमल एक तो ना माइक अनम्यूट कर लेते, डी या बी? मैम बी, बी लग रहा है। अच्छा चलो मैं बताओ, मैम मेरे को थर्ड ऑप्शन लग रहा है। अच्छा ये बताओ पहले, एक सेकेंड रुको, सी किस किस को लिख रहा है? बाकी सारे हाथ नीचे कर लो, जिनको सी लग रहा है वो हैंड रेस करना है एक बार, जिनको सी लग रहा है, ओके।
ज्योति को लग रहा है सृष्टि और सुहानी नजो तनिष्का। ओके देखते हैं, मुझे भी सी ही लग रहा है, आइए चेक करते हैं। देखो सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, केपी इज इक्वल टू केसी। ध्यान रखना मैंने कैसे ध्यान रखा था, पीसी या प्रियंका पीसी चोपड़ा। ज्वेलर से ध्यान रखो या पीसी प्रियंका चोपड़ा से ध्यान रखो। केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन। ठीक है, डेल्टा एन क्या होगा यहाँ पे, पहले तो वो निकालो। ये सॉलिड है छोड़ दो इसको, वन, ये भी सॉलिड है छोड़ दो, 1 - 3/2 यानी कि -1/2, इतना ही निकाला तुम लोगों ने डेल्टा एन जी। ठीक है, यस तो डेल्टा एन जी भी गलत निकाला होगा, तो ध्यान रखना कैसे निकाल रहे हो, माइनस यस वन बाय टू। अब क्या करो, यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा के, ये देखो हमें हमें ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे केपी है जबकि यहाँ केसी है, तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। क्या करोगे, इसको नीचे ले आओ, और अगर इसको नीचे ले आओगे तो 1/2 हो जाएगा, नीचे लेके आए हो तो। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और ये किसके बराबर आ जाएगा, केसी के। अब देखो आ रहा है तुम्हारा बी, कौन सा आंसर आ रहा है, यस सी आंसर आ रहा मैम, है। समझ में आया कैसे किया, यस हाँ जी बच्चे। ठीक है, और ये भी तुम्हारा आई थिंक आया था कि ये टेस्ट में कभी, मुझे याद नहीं है, नहीं 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 आया था, क्लास के दौरान शायद मैम। तुमने। हाँ तो मोस्टली मैंने वही क्वेश्चन लिया सो देट आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है चलिए, बस नहीं होता अर्षित, ये 4 नंबर कटवा लोगे बस क्या होता है, वो ये थोड़ी ना देखेगा एग्जामिनर की बच्चों की माइनस की गलती हुई है तो चलो माफ कर देते हैं, 4 नंबर दे देते हैं। ठीक है, हाँ बेटा 5 मार्क्स गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इस पे लिखो इम्पोर्टेंट। बेटा आपने नोटिस किया होगा ये वाले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा करवाती हूँ, और ये आपके PYQs में भी आते हैं, आप लोगों के हम अवंती में जो टेस्ट होते हैं उसमें भी डालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइप के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास टाइम कम है तो मैं दो ही क्वेश्चन इस तरह के करवा पाऊंगी, बाकी आप लोग प्रैक्टिस के लिए या तो नोट्स रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज अपने क्वेश्चंस PYQs या मॉड्यूल के। ठीक है चलिए, आइए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इधर आओ। आपको इक्वेशन दे रखी है, नीट में भी दे रखी होगी। ठीक है मैं लिख लू एक बार, इक्वेशन लिख लेती हूँ, 2NO Cl। जिसको ये वाले क्वेश्चन बनाने नहीं आते हैं प्लीज ध्यान से देखो, बच्चों का खेल नहीं चल रहा है यहाँ पे फिजिकल पे। ठीक है ओके, इन एन एक्सपेरिमेंट 2 मोल ऑफ NOCl वॉज प्लेस्ड इन 1 लीटर फ्लास्क, यानी कि स्टार्टिंग में कितने मोल लिए हैं जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, बच्चों बताइए कितने मोल। बहुत बढ़िया शाबाश, और जब तक ये नहीं बने हैं तो 0 0 ले लूं, यस मैम, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम बात करते हैं, वो बोल रहे हैं कि एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ NO आफ्टर इक्विलिब्रियम इतनी रह गई है। चलो वो तो देखेंगे बाद में, पहले हम ये देख लेते हैं एट टाइम टी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। देखो पहले स्टार्टिंग में बच्चे 2 थे, अब इक्विलिब्रियम पे कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, डिसोसिएट हुआ होगा, तो मैं क्या मान लू, 2 - x मान लू। यस मैम, यस ठीक है, 2 - x। एक काम करते हैं, या तो हम 2 - 2x ले लेते हैं, या एक काम करो चलो x ही ले लेती हूँ, पहले मैं आपको समझाती हूँ फिर आप पूछोगे मैम 2 क्यों लिया, चलो 2 - x ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से x खत्म हो गया तो ये x ही बनेगा, क्यों, क्योंकि 2 से 2 ही NO बन रहा है, बताइए 2 NO। ये आपने जब अपनी क्लास में पढ़ा था तो ये चीजें करी थी ना, यस मैम, क्या तो आप लोग भी पढ़ के आया करो थोड़ा, 2 से 2 ही बन रहा है तो x लिया, ये कितने, 2 NOCl से 1 Cl2 बन रहा है, तो ये x/2 बनेगा फिर। यस मैम, अब मैं क्यों बोल रही थी बेटा कि 2x लो, वो इसलिए बोल रही थी ताकि तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाए। काम करो तुम 2 - 2x ले लो, इसको देख के मैंने लिख लिया, तो 2x डिसोसिएट हुआ तो ये 2x ही बनेगा और ये x बनेगा। अब क्या होगा, तुम्हारा डिवाइड में नहीं आया, फ्रैक्शन में नहीं आया, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, इसमें सिंपल हो जाएगा। इतना क्लियर है, क्योंकि यहीं तक था क्वेश्चन बस। यस मैम, यस चलिए उसके बाद उसने एक चीज बोली कि जो NO की कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम जब स्टैब्लिश हो जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन इतनी रह जाएगी, कितनी रह जाएगी, 0.4 मोल पर लीटर, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि जो NO की कंसंट्रेशन है जो 2x की वैल्यू है 0.4 है बच्चों। यस मैम, यस मैम, ये क्योंकि 1 1 लीटर था ना ये सारा, तो यही मोल्स ही आपके क्या है, कंसंट्रेशन भी हो गई है। ठीक है, तो यानी कि 2x की वैल्यू 0.4 है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया आफ्टर एस्टैब्लिश मतलब इक्विलिब्रियम जब हो जाएगा, आ जाएगा, अचीव हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन इतनी रह जाएगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.2 मोल पर लीटर। ठीक yes.
है, तो बस ये कितना रह जाएगा 0.2 मोल पर लीटर, ये कितना रह जाएगा 2 × 0.2 0.4 मोल पर लीटर, और ये कितना रह जाएगा 2 − 0.4 कितना हो जाएगा 1.6 मोल पर लीटर। देखो जी इतना हो गया बस, और कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, निकालना क्या है, निकालना क्या है, केसी की वैल्यू कोमल क्या, हाँ केसी निकालना, निकाल दो केसी, कैसे निकालोगे 0.4 का स्क्वायर, क्योंकि 2NO है, 0.2 डिवाइड बाय 1.6 का स्क्वायर, आंसर निकालो जल्दी, बताओ कितना आंसर आएगा। आपको ऑलरेडी 10⁻⁴ दी हुई है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, अलग अलग तरीके से पूछते हैं ये क्वेश्चन। मान लो बोल देगा कि इतने मोल कंज्यूम हो गया, मतलब ऐसे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन बना सकते हैं एग्जामिनर, और ऐसी बात नहीं बनाने में बने भी हुए हैं। हाँ जल्दी निकालो बेटा इसकी वैल्यू, इतना टाइम नहीं है अपने पास। यानी कि आंसर आ रहा है तुम्हारा 125 × 10⁻⁴, तो यहाँ पे 125 फिल कर दूँ। यस मैम। देखिए सारे बच्चे, हाँ जी पहले एक बात पूछू, सच्ची सच्ची बताना, केमिकल इक्विलिब्रियम रिवाइज करा है या नहीं करा है, मतलब अपनी जब जिससे भी तुमने पढ़ा है, राज सर से, कन्हैया सर से, मंजीत सर से, किसी से भी पढ़ा है तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया पहले, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम के तो 2 टेस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर तुम लोग यहाँ पे एक्टिव क्यों नहीं हो बच्चों। मैम ये 125 कैसे हुआ बेटा, कैलकुलेशन करने पे कितना आ रहा है कोमल आंसर? मैम 0.0125 तो आ गया। ये देखो इधर आओ, एक काम करो, नीचे कितनी जीरो आएंगी, 4, इसको ऊपर लेके जाओ 125 × 10⁻⁴, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना था, ठीक है? क्या हालांकि ये जेई में आया था क्वेश्चन, तुम्हारे नीट में तो तुम्हें ऑप्शंस लिख के देंगे, ठीक है? ओके ये तुम्हारा होमवर्क है, एक बार इसको पढ़ लो, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, तुम्हें आंसर भी मैं बता देती हूँ इसका क्या आएगा, एक बार पढ़ लो। तुम्हें ये रिएक्शन दी हुई है, तुम्हें बोला हुआ है 1 मोल एक्स का लिया हुआ है, 1.5 मोल वाई का लिया हुआ है, और 0.5 मोल जेड का लिया हुआ है, स्टार्टिंग में 1 लीटर का वेसल है, उनको करवा दिया रिएक्ट। फिर जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो जेड की कंसेंट्रेशन कितनी थी, 1 मोल पर लीटर थी, आपको इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट बताना। क्या बिल्कुल सेम क्वेश्चन नहीं है क्या? बिल्कुल सेम, बस यहाँ पे आपको रिएक्टेंट का बता रखा था 2 मोल था, अब आपको ये भी बता दे कि वाई और जेड भी आपको दिए हुए हैं, ठीक है? और आपको y की वैल्यू निकालनी है, और आपको y बाय 15 गिवन है, तो आप तुम्हारा जो आंसर आएगा मैं बता देती हूँ, वो आएगा 16/15, जो तुम्हारा आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 16/15, और इसको कंपेयर कर लेना y बाय 15 से, तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारा y की वैल्यू 16। तो निकाल के देखना तुम्हारा 16 आ रहा है या नहीं आ रहा है, दिस इज योर होमवर्क, बिल्कुल सेम चलेगा, बिल्कुल सेम ऐसा, ठीक है? थोड़ा सा मैं एक काम कर तू बता ही देती हूँ, देख स्टार्टिंग में क्या दे रखा है बच्चे, 1.0, ये 1.5 0.5, जब टाइम जीरो था, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, राइट? और जब इक्विलिब्रियम था तो मान लेते इसमें से एक्स माइनस हुआ होगा, ठीक है? एक्स, यस मैम, हाँ कितना था ये 1.5, ठीक है, तो इसमें से भी एक्स माइनस होगा, और जितना ये टूटा है उतना ये बनेगा, लेकिन ये ऑलरेडी पहले कितना था 2.5 था, तो 0.5 + x, ठीक है जी? और z आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, यानी कि 0.5 + x की वैल्यू कितनी है, 1, और x की वैल्यू है 0.5। अब आपका हो जाएगा क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड आउट ओनली kc, सारी वैल्यूज तुम्हें दे रखी है x वाले की, y की, z की, बस। मैम ये y में 1.5 − 1.5 x नहीं होना था क्या? अल्फा थोड़ी ना दे रखा है यहाँ पे, समझ रहे हो? अभी आऊंगी उस क्वेश्चन पे, अल्फा की जहाँ बात होगी वहां पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सिनेरियो, ठीक है? यहाँ पे कहीं अल्फा की बात नहीं कर रखी ना बच्चे, मैम इसमें 0.5 + 2x नहीं होगा कहाँ पे?
अच्छा हाँ 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 यही कह रहे थे क्या तनिष्का तुम भी? मामा मतलब जो नहीं नहीं तुम तो अलग ही डायरेक्शन में चले गई, वहां अल्फा जो यूज होगा वो आगे होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ठीक है। हाँ यहाँ पे बिल्कुल ठीक बोला है, इधर आओ इसने क्या नाम है सृष्टि ने कि एक्स यहाँ से डिसोसिएट हुआ है, एक्स डिसोसिएट होगा ये कितना बनेगा क्योंकि एक्स से डबल बन रहा है तो यहाँ पे टू एक्स बनेगा, ऑलरेडी हमारे पास 0.5 था तो 0.5 प्लस 2x, ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर आपने ये दोनों बना दी ना तो आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ध्यान रखना कि कितने ले रहे हो और कितने बन रहे हैं, इधर आओ, अगर यहाँ से x जा रहा है तो यहाँ पे क्या बनेगा 2x बनेगा क्योंकि x से मेरे z के कितने मोल बन रहे थे, दो मोल बन रहे थे, तो अगर x जाएगा तो कितने बनेंगे बच्चों, 2x बनेगा। भूल गए थे ये वाली चीज, अब याद आ गया, सृष्टि ने सिर्फ याद दिला, पेपर में कौन याद दिलाएगा, पेपर में तो नहीं आएगी सृष्टि या मैं ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना। yes, चलिए हो जाएगा अब तो, कैसी निकालना तुम लोगों को। ओके चलो एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आ जाओ। मेरे को लगा था मैंने दो ही क्वेश्चन लिए हैं इसके, बट तीन क्वेश्चन है। हाँ जी हाँ ये जी कर, एक काम करो करो ट्राई करो, आपको इक्वेशन दे रखी है और एक बार पढ़ो इसको। The reaction occurring as above comes to equilibrium under a total pressure 1 atmosphere, total pressure दिया हुआ, यानी कि यहाँ पे अब pressure वाला concept लगेगा। अभी तक जो मैंने दोनों question कराए थे वहां पे KC वाला formula लगा रहे थे हम, है ना, क्योंकि वहां पे कोई बात नहीं हो रही थी pressure की ठीक है। चलिए उसके बाद बोला है analysis of the system shows that कि 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, यानी कि इक्विलिब्रियम पे जो ऑक्सीजन के कितने मोल रह जाएंगे 0.6, वैसा वाला ही क्वेश्चन है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। करें शुरू या मैं करूं या आप करोगे, जल्दी बताइए। मैं कर रही हूं। करो स्टार्ट करो, और रिएक्शन नहीं बनाने आती तो क्वेश्चन वहीं गया बच्चों, क्वेश्चन वहीं गया। ये वाला आपको समझ में आ गया ना 2x कैसे आया? हाँ जी बता दो, अभी भी नहीं आया तो मैं फिर बता दू, क्योंकि ये नहीं आया तो पेपर में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें 8-9 क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो फिर नहीं हो पाएंगे वो, फिर मत क्या ना मैम नंबर कट गए ठीक है। चलो इसको मैं लिखती हूँ पहले 2NO2 से 2N, और थोड़ा एक्टिव होके बैठो ठीक है। ओके स्टार्टिंग इसने हमें बोल रखा है कि स्टार्टिंग में इसके दो मोल लिए हैं और इसका एक मोल लिया है, देखना जी ठीक है। yes, अगर स्टार्टिंग जब टाइम जीरो था, जब कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, NO2 तो कुछ बना ही नहीं होगा, इक्विलिब्रियम के टाइम पे दो में से कुछ गया होगा, मान लेते एक्स गया ठीक है, वन में से कितना जाएगा, एक्स ही जाएगा, या कितना जाएगा एक्स बाय टू एक्स, सोचो मैम, या तो उधर से 2x जाएगा या फिर उधर से एक्स बाय टू जाएगा। हाँ या तो आप ये काम कर लो, स्टार्टिंग में अगर आप स्टार्टिंग में ही कैलकुलेशन सही करना चाहते हो तो यहाँ पे 2 - 2x ले लो ठीक है, तो यहाँ से 2x गया तो ये यहाँ से कितना जाएगा, x जाएगा, शाबाश, और यहाँ कितना बनेगा, शाबाश ठीक है, 2 से 2 बन रहा है तो जितना जाएगा उतना बनेगा, ये कितने से रिएक्ट कर रहा है, दो मोल NO, एक से रिएक्ट कर रहा है तो 1 - x होगा। ध्यान से देखिए मैम, यहाँ पे वैल्यू 0.6 है। हाँ जी बेटा फिर बोलो। हाँ 2x की वैल्यू ये कितना है, 0.6 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी 1.1 - x किसके बराबर होगा, 0.6 के बराबर होगा। एनालिसिस ऑफ सिस्टम, हाँ देखो कितना आ रहा है, 0.4 ठीक है। अच्छा ओके, एक्स की वैल्यू निकाले तुम लोगों ने, बिल्कुल ठीक निकाले, देखो इतना हो गया आप लोगों को, ऐसे करोगे तो सब समझ में आएगा, हो गया इतना। yes, तो यानी कि ये कितना हो गया, NO2 की वैल्यू कितनी आई, 0.8 एट इक्विलिब्रियम पे, ये कितनी आई 0.6, 1 - 0.4 6 हो जाएगी, और ये कितनी आएगी 2 - 2 × 0.4, यानी कि 2 - कितना हो गया ये 0.8, कितनी आ रही है 1.2 हो गया। चल इसको इरेज कर दूं मैं, चलिए आई
अब आपके पास ये क्या आगे बच्चे, मोल्स आगे ना सबके, एनओ के आगे, ओ टू के आगे, एनओ टू के आगे। अब यहाँ पे देखो वो वाला सीन नहीं, अब यहाँ पे देखो टोटल प्रेशर दिया हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई बात? ठीक है, तो प्रेशर वाला है वहां पे, ये मत लगा देना केसी वाला, ये वाला कंसंट्रेशन वाला, ठीक है? क्योंकि अगर मान लो आप कंसंट्रेशन वाला लगाते भी हो तो कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर होती है, राइट? यहाँ पे वॉल्यूम तो दे ही नहीं रखा, तो वो नहीं लगाना आपको, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर वाला सीन आ गया। तो यहाँ पे आपको सबका पहले पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा बच्चों। यस मैम। और पार्शियल प्रेशर कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ ओ टू इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनओ टू इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है? और मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है एनओ का, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 1.2, टोटल कितने हैं बताएगा कोई मुझे? मैंने निकाला, हाँ 2.6, समझे? ऐसे ही ओ टू का मोल फ्रैक्शन 0.6/2.6, ऐसे ही NO2 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0.8/2.6। अब सबके पार्शियल प्रेशर आ जाएंगे, टोटल प्रेशर 1 दिया हुआ है। यस मैम। ठीक है, तो फाइनली तुम्हारा क्या हो जाएगा, KP पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का स्क्वायर इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 का स्क्वायर। सब हो जाएगा, सब कुछ दिया हुआ है तुम्हें, मोल फ्रैक्शन क्या मैम, O2 को स्क्वायर नहीं होगा ना, O2, अच्छा एक ही है, ये लो, ठीक है, ध्यान रखना है जी, तुम्हारे पास सब है। क्या हुआ, क्वेश्चन समझ में आया, कैसे घुमाया उसने? अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, तो तुम डायरेक्ट केसी वाले निकालते, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल पर लीटर, बट तुम्हारे पास वॉल्यूम तो है ही नहीं, तुमने तो सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, यानी कि इस वाले सिनेरियो में या तो फिर एग्जामिनर तुम्हें प्रेशर की टर्म्स में फंसाएगा, ठीक है? उसने टोटल प्रेशर दे के रखा है, ये निकालो। एक और क्वेश्चन बनता है इसमें, मान लो तुम्हारे पास टोटल प्रेशर ही ना हो, फिर तो फंस गए हम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, के क्या बोल रही हूं मैं? देखो पहला क्वेश्चन बनता है, इधर आओ, पहला क्वेश्चन बनता है, तुमने सारे मोल निकाल लिए, वॉल्यूम गिवन है, तो तुम क्या लगाओगे, केसी वाला फॉर्मूला लगाओगे, खत्म। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है कि तुम्हें मोल सब कुछ निकाल लिए तुमने, लेकिन वॉल्यूम ही नहीं है, टोटल प्रेशर दिया हुआ है, यानी कि इस वाले सिनेरियो में तुम्हें पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है? मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर, ठीक है? तीसरा केस क्या आता है, तीसरा केस क्या आता है, जिसमें तुम्हें टोटल प्रेशर ही दे रखा, तो क्या करोगे तुम, टोटल प्रेशर निकाल के आओगे, और फिर वो कैसे निकालोगे? अरे वाह, दिल जीत लिया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो वहां पे आपको R दे रखा होगा, R की वैल्यू, टेम्परेचर दे रखा होगा, और आपको वॉल्यूम भी दे रखा होगा, नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लोगे जैसे इसमें निकाले हैं, और टोटल प्रेशर वहां से निकल जाएगा, फिर जो वो टोटल प्रेशर आएगा उसको पुट करके पार्शियल प्रेशर निकालोगे। तो ये तीन चार टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तीन चार टाइप के क्वेश्चन जिसको अलग अलग करके वो बना सकता है। समझ में आ गई? इसका आंसर 3.9, लेट मी चेक, मेरा 2 आ रहा है, इसका आंसर 2 है बेटा। यस मैम, 2 आ रहा है, कहीं एक बार देखना कहीं पे आप लोगों ने कैलकुलेशन वाले मिस्टेक की होगी। मजा आया? तो ये तीन चार क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा जो और क्वेश्चन बनते हैं वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से बनते हैं, जो मैं आगे करवाती हूँ आपको। मैम एक बार रिपीट कर देंगे, फिर से बोलो बच्चे, मैम एक बार से रिपीट कर दीजिए। आप क्लास में नहीं थे बेटा, मैम स्कूल से कर रहे हैं, तो मैम पूछने लगी थी कि यहाँ पे क्या कर रहे हो इसलिए। अच्छा आगे चलते हैं बेटा, ये वीडियो उससे रिकॉर्डेड लेक्चर से देख लेना, क्योंकि अगर मैंने रिपीट किया वो वैसे ही नहीं आएगा समझ में, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड पहले 2-3 क्वेश्चन करा दिए अंजलि, है ना? तो वो है ना, रिकॉर्डिंग से देख लेना, इम्पोर्टेंट बहुत है, ठीक है? उसके बाद आओ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। पहला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन, ये मैं ऑलरेडी बता गई हूँ बच्चे, बता चुकी हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता आपका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिक वैल्यू होगी फॉर पर्टिकुलर रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस। हाँ, अगर मान लो आप एक रिएक्शन लिख रहे हो, सपोज आप लिख रहे हो PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक ही वैल्यू होगी, ये नहीं कि बहुत सारी वैल्यूज होंगी, ठीक है? एक रिएक्शन के लिए एक ही उसकी यूनिक वैल्यू होगी एट ए गिवन टेम्परेचर, लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तीसरी आओ, तीसरी तो ये बहुत ही है इंपॉर्टेंट, याद करो, ये मैंने करवाई थी कि अगर मान लो सपोज तुम्हारे पास एक ये रिएक्शन है ए से बी प्लस सी बन रहा है,
ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम है के वन। अब तुमने क्या किया, इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, तो इसका नया इक्विलिब्रियम क्या होगा, वन बाय के वन। तो के इक्विलिब्रियम फॉर द रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ पहले वाला। यस मैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हें पता है इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और अभी भी आ रहे हैं, तीन चार मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो तुम्हें एक ऐसी इक्वेशन दी हुई है, सपोज ये तुमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया किसी भी फैक्टर से, ठीक है, मान लो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ टू से, तो मेरे पास क्या बनेगा, इधर देखो मैं दोनों को एक ही साइड बता रही हूँ, टू एच टू प्लस टू आई टू फोर एच आई, अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दू, तो अगर मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वन है, तो के टू क्या हो जाएगा, के वन का, ध्यान रखना अगर आप किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो नया वाला इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, पहले वाले की पावर हो जाएगी, टू से मल्टीप्लाई करो तो टू हो जाएगा के वन की पावर, थ्री से कर रहे हो तो के वन की पावर थ्री हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मेरे को ना डाउट हो रहा है कि इससे पहले जो केमिकल इक्विलिब्रियम के तीन टेस्ट हो चुके हैं उसमें आप या तो सारे क्वेश्चन छोड़ के आए थे या गूगल से देखे थे, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का रिस्पॉन्स जीरो है क्लास में, ठीक है, या तो चैप्टर ही नहीं पढ़ा या पढ़ा था भूल गए। एंड इफ इट इज डिवाइडेड बाय एम, अगर सपोज किसी नंबर से वो डिवाइड हो जाता है तो क्या पावर लेनी है, जैसे इसको देखो वन बाय क्या करा हुआ है, टू से डिवाइड किया हुआ है, तो अगर मान लो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टू है, तो के टू क्या हो जाएगा, के वन की पावर वन बाय टू, अगर थ्री से कर रखा होता वन बाय थ्री, फोर से कर रखा होता वन बाय फोर, मल्टीप्लाई किया होता तो स्क्वेयर हो जाता, और थ्री करा होता तो क्यूब रूट हो जाता, इस तरीके से आपको करना है, क्वेश्चन भी कराऊंगी डोंट वरी, ठीक है। एक ये वाला देख लो, फिर उसके बाद दोनों के क्वेश्चन इकट्ठे करते हैं। व्हेन अ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू अदर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, द इक्विलिब्रियम ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शन। जैसे मान लो मैं ए से बी बना रही हूँ, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के वन, बी से सी बना रही हूँ, इसका है के टू, ठीक है, और मुझे फाइनल इक्वेशन बनानी है ए से सी, तो मैं क्या करूं, इन दोनों को पकड़ो और क्या कर दो, खत्म, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आप इक्वेशन कैसे आई है, एक दूसरे को ऐड करने से आई है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपकी सपोज इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के थ्री, तो के थ्री क्या आएगा, के वन इंटू के टू, खत्म कहानी, ठीक है। अब कैसे हो सकता है, रिएक्शन कैसे आ सकती है, मान लो आपको इक्वेशन दे रखी हो एक, दूसरी दे रखी हो, उसका सपोज KP1 दे रखा हो और KP2 दे रखा हो, ध्यान से सुन लो मैं क्या बोलती हूँ, ठीक है, और आपको एक तीसरी इक्वेशन दे रखी हो, तो पहले तो आप इन दोनों को यूज करोगे और देखोगे तीसरी आई कैसे, ठीक है। yes, सपोज दोनों को ऐड करने से आ रही है, तो KP1 into KP2 कर दोगे, उसके बाद आपसे पूछ रखा है KC निकाल दो, तो क्या करोगे, KP is equal to KC RT की पावर डेल्टा N, तो डेल्टा N निकाल के आओ, KP आपके पास है, KC निकल जाएगा, तो ऐसे टाइप के भी इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, बट क्योंकि ये रिवीजन क्लास है इसलिए मेरे को आप लोगों को कंसेप्ट और एक दो क्वेश्चन कराने हैं। अगर तुम्हें जो मैं बोल रही हूँ मैम, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, कैसे हो सकता है, तो अगर आपको डेप्थ में जाना है टॉपिक के, तो आप मेरा वीडियो लेक्चर जो है रेफर कर सकते हो। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं करवा भी देती हूँ, यहाँ पे तीन क्वेश्चन है, एक दो तीन, चलिए आइए, चलो ये वाले करें, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो सारे, आराम से पढ़ना, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी हमारे पास 11:30 तक का टाइम है, आराम से करो, बस मैं बता रही हूँ ना, तो मेरे ऊपर भरोसा रखो बस। हाँ जी मैम, थर्ड रिएक्शन जो दे रखी है उसमें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लग रही है, वो हट गया था, लगा लो, ठीक है। चलिए करिए, भरोसा रखो टीचर्स पे और पढ़ना पड़ेगा खुद से, बिना पढ़े क्लास में आओगे और कुछ भी बोलोगे तो वो आप लोगों को कहीं और ही ले जाएगा फिर लाइफ में, ठीक है। चलिए करो बच्चों, आपको पहली वाली रिएक्शन दूसरी वाली रिएक्शन का दे रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वन के टू, आपको जो लास्ट वाली रिएक्शन है उसके लिए निकालना है, तो पहले देखो पहले दोनों को यूज करके कैसे बनाओगे थर्ड वाली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा क्वेश्चन। सेकंड वाली क्वेश्चन को जो है हम उल्टा कर देंगे और फर्स्ट वाली क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर देंगे। यस मैम, आ गया तुम लोगों का 1/2। यस मैम, किस किस का आया 1/2, जस्ट रेज योर हैंड बच्चों, कोमल का, तनिष्का का और ओके, इतने बच्चों का आ गया, अरे क्या बात है भाई, क्या बात है, सृष्टि, अंकिता, अंजलि, शिवानी, सुहानी, ज्योति, ज्योति लीव कर गई क्या मैम, आपने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं इससे। अच्छा
ठीक है, करवाए तो मैंने बहुत कुछ है, बट तुम पेपर में कर लेना बस, है ना। ऑफलाइन टेस्ट में जा रहे हो ना तुम सब, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाओ। ठीक है, ऑर्डर दे रही हूँ मैं, तुम पूछ नहीं रही, जाओ। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ऐसे नहीं होता कि आप ऑनलाइन प्रोग्राम मतलब है अपना क्लासेस ले रहे हो और आप लोगों के लिए स्पेशली ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं, आप लोगों के लिए जगह बुक हो रहे हैं, पेपर प्रिंटेड हो रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा जाओ, अच्छा लगेगा तुम लोगों को। थोड़ा जो प्रेशर तुम फील करते हो, देखो अगर चीटिंग मार के करते हो तो फिर वहां पे बैंड बज जाएगी, अगर खुद से करते हो, ऑनेस्टी से करते हो, तो वहां पे तुम्हें सच में बहुत मजा आएगा। टीचर सर पे खड़े होंगे, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में एक्चुअल में होता है, वो तुम्हारे आगे पीछे ऐसे घूमेंगे। ठीक है, तो अच्छा लगेगा। चलिए, आप घूम रहे थे हाँ जी, पहले टेस्ट में, आप घूम रहे थे। अच्छा हाँ इस बार वो टीचर्स होंगे, मैं दिसंबर में आऊंगी। ठीक है, चलिए इधर आओ। तो जैसे अभी किसने बोला, तनिष्का ने बोला, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखो जो FEO है ना, वो तो आपका किस साइड है बच्चे, राइट हैंड साइड है, जबकि यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो यानी कि इसको मेरे को उल्टा करना पड़ेगा। यस मैम, कर दिया, इसको ऐसे ही रखो, क्यों, H2 मेरा राइट हैंड साइड पे है और यहाँ पे भी, तो एक काम करो दोनों ऊपर वाली इक्वेशन को ऐड करो, FeO प्लस CO, ये बन जाएगा H2 प्लस CO2 प्लस Fe प्लस, CO2 और CO कैंसिल हो जाएगा। इसको वो भी करना है ना, रिवर्स यस भी तो करना है ना, H2O प्लस CO, इसको इधर ले आओ, CO2 प्लस Fe, और यहाँ बन जाएगा H2 प्लस CO2 FeO प्लस CO। देखो बन गया, CO से CO गया, CO2 से CO2 गया, आ गया यस मैम, एफ ई आ गया, वो एफ ई, बस ये कैसे आया, दोनों को ऐड करने से आया, तो मल्टीप्लाई कर दो, K1 into, और जो नया वाला K2 आया कितना आया, 2 into 1/4, यानी कि 1/2 इज द करेक्ट आंसर। यस मैम, और करें क्वेश्चन, चलो और करवाती हूँ ये वाला क्वेश्चन। अरे इसके अंदर आंसर कैसे लिखा हुआ है भाई, चलो इसको छोड़ो, दिखा देखा तो नहीं, देख लिया चलो चलो एक बार करो, खुद करो, हो रहा है क्या, आपको केसी दिया हुआ है, आपको दूसरे वाली रिएक्शन के लिए केसी दिखाना है, पता नहीं कैसे आंसर भी आ गया इसके। हाँ, तो आपको ये वाली इक्वेशन के लिए केसी निकालना, पहले देखो क्या किया हुआ है इन्होंने, ध्यान से देखो बच्चों, और हो जाए तो प्लीज रेज योर हैंड। सृष्टि एंड तनिष्का ने कर लिया है, चलिए। अरे इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, पहले तो ये बताओ तुम लोग स्कूल में बैठ के तो फोन नहीं चला रहे हो ना, मेरे को डाउट हो रहा है भाई तुम लोगों पे। मैम घर में है। हाँ मैम, मैं फोन अलाउड नहीं है स्कूल में, क्योंकि वही, वाले स्कूल में फोन लेके कौन जाएगा। क्योंकि वही 5 बच्चे हैं मिस कर रहे हैं, तो आपने बेसिकली जो फाइनल इक्वेशन है क्या किया होगा, देखो ना कैसे बनी होगी, पहले तो इस वाली इक्वेशन को उठा कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, तो इसके इक्विलिब्रियम को भी उल्टा करो, कर दिया यस मैम, क्या, या मैं ऐसे करवाती हूँ जैसे मैंने पहले करवाया था, 2NH3 ½ N2 + 3/2 NH2, तो इक्वेशन में NH3 आपका क्या है, रिएक्टेंट की साइड है या प्रोडक्ट, तो जो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, सपोज आपका इसका है केसी, तो पहले वाले का रिवर्स करना पड़ेगा, 64 हो जाएगा। उसके बाद क्या किया, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया है, यानी कि इसका अंडर द रूट लेना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा कितना, 1/8। 1/8 ओके, ये क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारा, एक बार पढ़ लो, आपसे पूछा 1 2 3 आपको दिया है, और आपसे पूछा कौन सा रिलेशन करेक्ट है, पता चल जाएगा, यस मैम मार लो सारे बच्चे। चलिए उसके बाद आओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, आप लोगों में से मैंने बहुत बच्चों को देखा है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में। अगर मान लो रिएक्शन जितने भी अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन कराया, जिसमें मैं एक्स मान के चल रही थी, एक्स गया है, एक्स गया है, और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम्हें लेना है तो पक्का कुछ ना कुछ देगा कि इतने परसेंट टूट गया है, डिसोसिएट हो गया है, या इतने परसेंट डिकम्पोज हो गया, वहां पे तुम अल्फा लगाओगे। ठीक है, अल्फा इज व्हाट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, कि कितने टोटल मोल आपने रिएक्टेंट के लिए थे, रिएक्टेंट्स टेकन, और कितने उसमें से डिसोसिएट हो गए। ठीक है जी, नंबर ऑफ मोल्स,
डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये होता है, जैसे अगर मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ, उससे ही समझाती हूँ तुम्हें। पीसीएल 5 है, ये क्वेश्चन क्यों ले रहे हो मैम बार बार, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, ये ले लिया, ठीक है। तो अब मैं मान लेती हूँ कि मैंने इसके 1 मोल ले लिए, ठीक है। 1 मोल क्यों लिया बच्चों, क्योंकि 1 मोल लेना आसान होता है, क्योंकि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा होता है ना, ये डिफाइन होता है 1 मोल के लिए, ठीक है। चलिए, तो अगर मान लो स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो ये 1 मोल था, ये बने नहीं होंगे, 0-0 रहा होगा, और इक्विलिब्रियम के टाइम पे इसमें से कुछ डिसोसिएट होगा, मैंने कहा था 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, तो अगर 1 ले रहे हो तो उसमें से कितना जाएगा, अल्फा जाएगा। अगर 2 ले रहे होते तो 2 अल्फा, 3 ले रहे होते तो 3 अल्फा, C ले रहे होते तो C अल्फा, मैंने कल बताया था इक्विलिब्रियम में, तो ये कितना कितना बना होगा, अल्फा अल्फा बनेगा, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं, समझ रहे हो मेरी बात बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। अब कैसे इससे क्वेश्चन बनते हैं, आ जाओ करते हैं। जैसे देखो ये एक क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नीट में कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल होती है, बट मैं आपको तरीका बताती हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है ऐसा क्वेश्चन, नीट में भी आया हुआ है 3-4 बार ऐसे टाइप का क्वेश्चन, सेम नहीं आया हुआ क्योंकि मैंने किसी बुक से लिया है, ठीक है। तो तुम्हें ये बेसिकली रिएक्शन दे रखी है इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, ए टू बी प्लस हाफ सी। आपको रिलेशन बताना है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और इक्विलिब्रियम प्रेशर यानी कि टोटल प्रेशर के बीच में आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। तो होगा तो बिल्कुल वैसे, लेकिन यहाँ पे अल्फा आ गया पिक्चर में अब, है ना। तो कैसे करें, स्टार्ट करें, yes, बताइए करें क्या, देखो क्या, yes, तो यहाँ पे लिख रही हूं मैं इक्वेशन सी। चलिए तो मैं क्या मान के चलू, लेट कर लेते हैं 1 मोल है स्टार्टिंग में, और ये 0-0 क्योंकि कुछ भी बना होगा, नजर टिका के रखो। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, 1 में से कुछ अल्फा जाएगा, यस मैम 1 माइनस अल्फा, और ये अल्फा बाय 2। अब आप यहाँ पे ये नहीं कर सकते 1 माइनस 2 अल्फा, प्लीज गौर से मेरी ध्यान, कोई बात नहीं लक्ष्य, प्लीज गौर से ध्यान दो। अब यहाँ पे 2 अल्फा कर दे तो काटा लग जाएगा, अगर आपको 2 अल्फा करना है तो स्टार्टिंग में 2 मोल लेके चलो, समझ में आ गया वहां क्या किया था और यहाँ क्या कर रही हूँ, यस मैम, ठीक है। अच्छा अब ये तुम्हारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स, तुम्हें क्या निकालना, इक्विलिब्रियम प्रेशर भी चाहिए, अब उसके लिए तो वही करना पड़ेगा, हमें पार्शियल प्रेशर चाहिए ए का, पार्शियल प्रेशर चाहिए बी का, और पार्शियल प्रेशर सी चाहिए, बताइए। और ये कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है। देखो फिर फाइनली क्या निकालोगे तुम, केपी निकालोगे। अब केपी क्या होता है, यहाँ पे केपी नहीं के दे रखा है तो हम भी के ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है, तो के क्या होगा बच्चे, मोल फ्रैक्शन ऑफ, सॉरी आई एम सो सॉरी, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी का स्क्वायर और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ठीक है। मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखू तो बच्चे इधर मैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करा रही हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी का स्क्वायर, टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, इसका और इसका कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, देखो एक बार, एक मैम यहाँ पे प्रेशर ऑफ सी जो होगा वो 1/2 होगा, यस मैम, हाँ हाँ पता चल गया मेरे को, गड़बड़ कर दी, ये होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इनटू टोटल प्रेशर, इसका कितना होगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी का हाफ इनटू टोटल प्रेशर हाफ, और नीचे क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू टोटल प्रेशर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया बच्चों, इधर उधर। अब एक काम करो, ऑप्शन देखो, तुम्हारा सोल हो गया, तुम्हें पूरा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पी की पावर 3/2 है, नहीं हो सकता क्योंकि मेरी पी की पावर क्या आ रही है, 1/2, जो कि हमारा टोटल प्रेशर है। यहाँ देखो पी की पावर 1/2 है और किसी में भी नहीं है, ध्यान से नजर मारो सारी जगह, सारी जगह पी की पावर 3/2 है, तभी मैंने ऐसे सोल्व किया है इसको, समझे। और अगर लेकिन हाँ बोलो, फिर बोलो, मैं पूरा सोल्व कर रही थी और अटकी हुई थी कैलकुलेशन में, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन इसकी बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। और नीट में आया तो घबराना मत, उन्होंने आपको हिंट दे रखा अच्छा खासा, ठीक है, समझे।
और सारी चीजें ध्यान में लेना। यहाँ पे हाफ है तो ऊपर हाफ से ही वो करना है। बता दो बोलो क्या हुआ, जो आपने के लिखा है ना उसमें जो पी की पावर वो बता दो कैसे कैसे। ये क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये देखो यहाँ पे सी के आगे कोफिशिएंट क्या है, 1/2, तो पावर में तो वही जाएगा ना जो कोफिशिएंट है। मैंने 2 लिखा था, 1/2 आएगा। हाँ पी टोटल, अच्छा पी टोटल, अरे पार्शियल प्रेशर ये होता है ना, ये सारी वैल्यू पुट कर दो इसकी जगह पे आ जाएगा आंसर। ये जो सारी वैल्यूज है वो ऊपर जाके पुट कर दो, है ना, आंसर आ जाएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, करके बताओ एक बार कैसे होगा। इक्विमोलर मिक्सचर लिया हुआ है PCl3 एंड Cl2 का, ओके। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम प्रेशर इफ 75% ऑफ PCl3 इज कन्वर्टेड इनटू PCl5। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 75/100 होगा। बिल्कुल ठीक चल रहा। कर रहे हो? यस मैम। यस मैम। ठीक है करो। PCl3 एंड Cl2 का इक्विमोलर ही लिया है, मतलब दोनों के मोल्स जो है वो सेम ही रहेंगे। मैम फिर हम 1 मोल मानेंगे। वन मोल मानेंगे ना हम? हाँ मानो, 1 मोल मानो, देखो आंसर आ रहा है उससे। इसको ना रिएक्शन, इधर रिएक्शन को उल्टा कर दो, जब उन्होंने PCl3 और Cl2 के दे रखे तो रिएक्शन को ऐसे ले लो, समझ रहे हो तुम? क्योंकि देखो उन्होंने डिसोसिएशन भी किसका दे रखा है, समझे? अब ले लो ये। ओके मैम। अब करो, आंसर आ रहा है क्या? क्या आ रहा है मुझे बताना, करो। मैं तुम्हें दे रही हूँ 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 11:07 हुई है, 11:09 तक करो, आता है तुम लोगों को, आराम से करना। कितने और रह गए हैं स्लाइड? ओके थोड़े से ही रह गए, 10 स्लाइड और रह गए बस। अल्फा की वैल्यू बाद में पुट कर लेना, वरना क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड कर दोगे तुम लोग। निकालना तुम्हें टोटल प्रेशर है बच्चों, आई होप कि समझ में आ रहा होगा मैंने क्या बोला है। यस मैम। देखो सब कुछ करके दे दिया, अब तो तुम्हें वैल्यू पुट करनी है। कितना आ रहा है बच्चों, किसी का हो रहा है? यस मैम। बाकी किसी का हो रहा है क्या, या किसी का ही नहीं हो रहा? यस मैम। करो करो, केपी दिया हुआ आपको 5 ATM। कैलकुलेटर यूज कर लो अगर दिक्कत हो रही है कैलकुलेशन में, तो बट आंसर चाहिए मुझे। किसी का नहीं आ रहा? 75 आ रहा है। आल्सो मैम मेरा भी सेकंड ऑप्शन। कैलकुलेशन डिफिकल्ट है क्या या हो रही है? मैम डिफिकल्ट है थोड़ी। ठीक है तो 75 ही आएगा इसका आंसर। एक काम करो, 1 मिनट और दे रही हूँ, कर 75 ही आएगा। हाँ बेटा आ रहा है, आ गया आंसर? यस मैम। यस मैम। बहुत ही बढ़िया, अरे शाबाश, मस्त, समझ में आ गया कैसे करने हैं क्वेश्चन। ये देखो मैंने एक ये टाइप करा दिया, एक ये वाला टाइप करा दिया, ठीक है एक ये वाला टाइप करा देती हूँ, है ना,
चलो आ जाओ, क्वेश्चन को देख के नहीं डरना, कुछ नहीं है इसमें, आ जाओ। व्हेन 5.1 ग्राम ऑफ अ सॉलिड NH4 एंड HS इज इंट्रोड्यूस इन अ 2 लीटर, अब देखो वॉल्यूम भी दे रखा है ना, टेम्परेचर दे रखा है, 20% ऑफ द सॉलिड डिकम्पोज, यानी कि अल्फा कितना दे रखा है बच्चे, 0.2, क्लियर, इनटू गैसियस अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि NH4 HS जो कि आपका सॉलिड है ये किसमें डिकम्पोज हो रहा है बच्चे, अमोनिया और बोलो हाइड्रोजन सल्फाइड, पता है ना क्या होता है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, ठीक है। आपको केपी की वैल्यू क्या है, केपी की वैल्यू दे रखी है X × 10⁻², और आपको X की वैल्यू निकालनी, यानी कि बेसिकली यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ केपी, फिर उसको इसकी फॉर्म में लिख देना, जो भी आंसर आएगा उसको इससे इक्वेट कर देना, आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे किया जाए, सोचो 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 क्या किया जाए, सोचो, एक काम करते हैं हम, ये मुझे कुछ नहीं पता लग रहा, पहले NH4HS के मोल्स निकाल लेंगे। शाबाश, इधर आओ एक बार, बिल्कुल सही बोला, मोल्स निकालेंगे। केपी क्या होता है बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ NHC इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, क्योंकि ये तो लेंगे नहीं सॉलिड है, यानी कि हमें किसी भी तरीके से इन दोनों के पार्शियल प्रेशर निकाल के आना है, ठीक है। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है मैम, पार्शियल प्रेशर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 इनटू टोटल प्रेशर, ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इनटू टोटल प्रेशर। अब मैम मोल फ्रैक्शन तो ठीक है, हम मोल निकाल के आ जाएंगे, बट टोटल प्रेशर तो हमें दे ही नहीं रखा, फंस गए। और मैंने कहा था अगर टोटल प्रेशर नहीं दे रखा तो कैसे निकाल के आओगे, PV = nRT। चलो इतना भी मैंने बोला उसको अप्लाई करते क्वेश्चन पे, तो इसके मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास, तो इसका हालांकि इन्होंने मोलर मास दे नहीं रखा, जब आप निकालोगे तो इसका मोलर मास 51 आएगा, तो 5.1 बाय 50 कितना, 51 कितना हो गया बच्चों, 0.1 यस मैम, ये 0 0 होंगे एट टाइम T0 पे, मान लेते हैं इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या होगा, 1 मोल में से 1 अल्फा निकलता, तो 0.1 में से कितना निकलेगा, 0.1 अल्फा, और इसमें अल्फा और 0.1 अल्फा, अल्फा की वैल्यू दे रखी है सबको। यस मैम, थोड़ा कैलकुलेशन बहुत लेंदी है, तो नीट में ये ऐसे नहीं आएगा इतना बड़ा, आपको थोड़ा कैलकुलेशन सिंपल करके देंगे, ठीक है, डिवाइड कर देना 2 से, वो लीटर में आ जाएगा, बस हो जाएगा क्वेश्चन। मोल्स आ गए आपके पास, PV = nRT, टोटल मोल्स है, आर आपको दिया हुआ है, टेम्परेचर भी आप लोगों के ऊपर दया करके दी हुई है 300 केल्विन, वॉल्यूम क्या करोगे, वॉल्यूम हमारे पास 2 लीटर है, टोटल प्रेशर निकल जाएगा, और जो टोटल प्रेशर आएगा उसको यहाँ पुट कर देना, फिर उससे जो पार्शियल प्रेशर आएगा उसको यहाँ पुट करके यू विल गेट योर आंसर। तो ये मैं बोल रही थी, ये 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बट नीट में, हालांकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और अच्छा कॉन्सेप्ट भी है, बट नीट में शायद हो सकता है ना दें, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन वो देना प्रेफर नहीं करते, हो सकता है कि इसको थोड़ा सा इजी में कन्वर्ट कर दे, वो बिल्कुल कर सकते हैं। मैम आर हमेशा फिक्स होता है गैस कांस्टेंट, फिर बोलो, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, नहीं फिक्स नहीं होता है, अगर मान लो डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो, सपोज अगर आपका प्रेशर की टर्म्स में लेना चाहते हो, क्योंकि प्रेशर एटमोसफेयर में होता है, तो उस केस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आप एनर्जी, जैसे अगर आपको जूल में आंसर निकालना है, तो आर की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। इसका नाम है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, यही वैल्यू रहेगी 0.082 अगर आप एटमॉस्फेयर में लेना चाहते हैं, जूल में लेना चाहते हैं तो 8.314 ही रहेगी, ठीक है। यस मैम, ओके, क्लियर है जी। तो अब जैसे एटमॉस्फेयर में था, अगर कोई बच्चा यहाँ पे 8.314 ले लेगा, काटा लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जूल की बात हो रही, थर्मोडायनेमिक्स में लेते हो आप आर की वैल्यू 8.314, कल देखेंगे। उसके बाद है थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम, आ जाओ जी, रेडी हो, चलो आओ। सबसे पहले आपका डेल्टा जी, डेल्टा जी क्या होता है, हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। और डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला आता था क्या, डेल्टा जी, डेल्टा जी नोट माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम, लेकिन हमें पता है एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे K लिखो, एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी जीरो होता है, याद करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो डेल्टा जी नोट क्या हो जाएगा आपका माइनस, एक सेकंड मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या इसमें, एक मिनट लेट मी चेक, डेल्टा जी नोट प्लस आर टी आएगा, डेल्टा जी जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जी नोट क्या आ जाएगा, माइनस RT ln के इक्विलिब्रियम। अगर आपको लॉग में निकालना है तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log
के इक्विलिब्रियम आ रहा है कुछ याद ये फॉर्मूला सुपर डुपर इम्पोर्टेंट नीट 2023 में से यहाँ से क्वेश्चन आया था मैं हर बार बोल चुकी हूँ तो आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है बस ठीक है। अच्छा और क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक और चीज और बताना चाहती हूँ इसमें फिर आगे चलते हैं। हाँ जी बेटा बोलो। मैम उससे भी क्वेश्चन आएगा जो एक आपने बताया था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस आरटी डेल्टा एच ये बताया था ये थर्मोडायनेमिक्स में आता है ठीक है ये दोनों आपस में इंटर रिलेट भी करते हैं। हाँ जी फिर बोलो। चैप्टर में तो नहीं आएगा ना इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो ना क्या लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम की थर्मोडायनेमिक्स तो यहाँ पे अगर मैं ये फॉर्मूला भी तुम्हें बता दूं तो गलत नहीं है हालांकि हम दोनों फॉर्मूले को थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करते हैं। उसके बाद आओ मैंने आपको एक इक्वेशन बताई थी बच्चे लोग के टू बाय के वन डेल्टा एच बाय 2.303 आर टी टू माइनस टी वन डिवाइड बाय टी वन बाय टी वन टी टू क्या नाम था इस इक्वेशन का क्लोसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। हालांकि ऐसे शायद मैंने नाम से नहीं बताया था लेकिन शायद सुहानी ने पूछा था मैम नीट 2016 में कुछ आया हुआ तो मैंने इसका नाम बता दिया था हालांकि तुम्हें नाम याद रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है नहीं आता ये। यस मैं अपने नाम बताया था यही बोला था कि याद मत रख। हाँ ठीक है तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या देख रहे हैं हम कि जो टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम के बीच में रिलेशन आएगा वो डिपेंड कर रहा है डेल्टा एच क्या होगा यानी कि तुम्हारी रिएक्शन कैसी है क्या तुम्हारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या तुम्हारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है ये तुम्हें पता होना चाहिए समझ रहे हो। यानी कि अगर तुम्हारा एक्सो रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो वहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ टेम्परेचर फिर वरी करेगा कैसे करेगा आ जाओ। अगर मान लो बच्चे पहला मैं केस ले रही हूँ डेल्टा एच ही जीरो हो जाए इधर आओ डेल्टा एच ही जीरो हो जाए तो लोग के टू बाय के वन भी क्या हो जाएगा जीरो तो के टू बाय के वन क्या हो जाएगा लोग क्या पता चला इसमें कि अगर डेल्टा एच जीरो हो गया तो तुम टेम्परेचर बढ़ाओ या कम करो के टू क्या आ जाएगा के वन के बराबर ही होगा समझ में आएगी वाली चीज। अगर डेल्टा एच ही तुमने जीरो कर दिया तो के टू बराबर होगा के वन फिर चाहे तुम टेम्परेचर बढ़ाते रहो या घटाते रहो गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। Yes, ma'am. इन वाली चीज क्या है हाँ तनिष्का बोलो। मैम अगर हम जीरो की पावर जीरो करेंगे तो क्या होगा जीरो की पावर जीरो भी वन होगा किसी की भी पावर जीरो करो वन होता है। मैम ऐसा क्यों ये मैथ्स में हम वो पढ़ते थे बच्चे फॉर्मूला मैथ्स टीचर से पूछ वैसे आज तक उन्होंने भी नहीं बताया कि ऐसा क्यों उन्होंने प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी की भी पावर जीरो करो तो वन ही होता है बाकी किसी और टीचर ने एक्सप्लेन किया तो मुझे बताना प्लीज ठीक है। चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्या ले रहे हैं। अगर मान लो डेल्टा एच तुम्हारा नेगेटिव है और तुम्हारा टेम्परेचर क्या ज्यादा है यानी कि टी टू ज्यादा है टी वन से होगा क्या इधर आओ इधर आओ। अगर टी टू ज्यादा है टी वन से तो ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी बच्चों और डेल्टा एच नेगेटिव है तो ये वाली टर्म क्या होगी नेगेटिव होगी यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव है तो लोग क्या होगा के टू बाय के वन लेस देन वन होगा बच्चों। यस मैम ठीक है यानी कि के टू लेस देन होगा के वन से देखो ध्यान से यानी कि अगर फॉर एक्सोथर्मिक लिखो यहाँ पे मैंने बताया था फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर तुम्हारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा कम होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम क्या होता है के टू बाय के वन तो होगा फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड तो के टू है तो अगर के टू छोटा है तो के इक्विलिब्रियम भी तो छोटा होगा ठीक है। चलिए ये मैं एक तरह से समराइज कर रही हूँ चीजों को है ना क्योंकि टाइम कम है टाइम बहुत ही कम है। अगर मान लो बच्चों में डेल्टा एच पॉजिटिव ले लूं तो उसमें क्या होगा और टेम्परेचर ज्यादा ही है तो हो जाएगा लोग के टू बाय के वन ग्रेटर देन वन यानी कि के टू बड़ा हो जाएगा के वन से यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो के इक्विलिब्रियम भी बढ़ेगा। तो एक बार समराइज कर दो इन चीजों को आइए। यस मैम चलो तुम्हें समरी ज्यादा पसंद है मैम की तो समरी मैंने ये बोला कि अगर डेल्टा एच जीरो है तो के वन के टू के बराबर होगा के फॉरवर्ड के बैकवर्ड कुछ भी बोल लो। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है और टी टू ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो के इक्विलिब्रियम कम होगा
अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है और टी टू ज्यादा है टी वन से, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और के इक्विलिब्रियम भी बढ़ेगा। देखिए पल्ले पड़ा, ये एक्सो हो जाएगी और ये एंडो। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे दूं या एक बार चलो देख लो क्या दिया हुआ है। फॉर द रिएक्शन दी हुई है तुम्हें, इफ द इक्विलिब्रियम प्रेशर एक्स बार, यानी कि तुम्हें टोटल प्रेशर दिया हुआ है बच्चे, तुम्हें डेल्टा जी निकालना है, निकालो। एक मिनट का टाइम दे दूं, 11:21 हो गया, फिर उसके बाद अपन अपना बहुत कम भी रह गया, चलो जल्दी आओ, 15 मिनट का हो रहेगा बस। अपनी क्लास 11:30 तक थी राइट? यस मैम। ठीक है चलो ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, डेल्टा जी का मेरे बच्चों को फॉर्मूला पता, लगाओ टोटल प्रेशर दिया हुआ है, लगाओ। पंद्रह बच्चे क्लास में आए और इस क्लास की स्ट्रेंथ पता है कितनी है? 60। कितने गायब हैं? 45। मैम सी ऑप्शन होगा क्या? कौन सा है बेटा? मैम सी ऑप्शन। यस बी, बी फॉर बोल, सी। नो मैम सी ऑप्शन। कैट बना, किस किस का कैट आ रहा है? शिवानी का आ रहा है और ओके, चार बच्चों का आ रहा है। ठीक है इधर आइए। ओके कैसे किया देखते हैं, लेट्स सी। इस इक्वेशन को लिख दूं एक बार, मैं एक बार मुझे बताओगे कैसे किया? हर्षित तुम बताओगे क्या कैसे किया? तुमने भी मेरे को सी ही बोला है। या एक काम करो, कौन बताएगा तनिष्का के अलावा, बताओ बच्चे कैसे आया सी? अरे बोलो ना प्लीज, फिर मैं कैसे मानू कैसे किया आप लोगों ने? कोमल आप बताएंगी कैसे किया? भाई तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो, आंसर कैसे आ गया फिर तुम लोग? फिर तुमने हाथ क्यों, हैंड क्यों रेस किया? हमने किया। अच्छा नहीं किया है, अच्छा जिसने किया है वो बताओ। सिर्फ एक तनिष्का का ही हुआ है क्या? अच्छा फिर ये बोलो ना कि एक ही बच्चे का हो, पहले वाले तुम्हारे हैंड रेज हैं, बताना तनिष्का कैसे किया? मैम इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 जो है वो H2S के इक्वल है। हाँ बिल्कुल इक्वल है, तो इसीलिए वो P/2 हो गया। हाँ बिल्कुल, तो वो X/2 के इक्वल हो गया क्योंकि इसमें X बार दे रखा है। यहाँ पे तुमने मान लो 1-x है और ये एक्स एक्स है, ठीक है इक्विलिब्रियम पे। टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ इक्विलिब्रियम प्रेशर एक्स बार, यानी कि तो सॉलिड है इसको तो नहीं लोगे, तो एक्स प्लस एक्स कितना दिया उन्होंने, कैपिटल एक्स, यानी कि 2x = X और एक्स आ जाएगा X/2, यानी कि NH3 और H2S का पार्शियल प्रेशर कितना आ गया बच्चों, X/2 और X/2। देखो yes, well. ठीक है स्मॉल एक्स क्या, एक सेकेंड स्मॉल एक्स, एक मिनट क्या कर दिया मैंने, एक सेकेंड एक्स आया है X/2, ठीक है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना आ गया, x है, x की वैल्यू कितनी आ गया X/2 और H2S भी आ गई। आप y कुछ भी ले लेना, x से कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना आपको, डेल्टा जी निकाल लो भाई, -RT ln k इक्विलिब्रियम, k इक्विलिब्रियम क्या होगा X/2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा -2 आगे ले आओ, 2RT ln X/2, तो देखो क्या आंसर आ रहा है। थर्ड आ रहा है, ठीक है। इन्होंने ना इसको भी खोल दिया, A/B की प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है जी। चलिए उसके बाद है रिएक्शन क्वेश्चन। देखो रिएक्शन क्वेश्चन और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है, ध्यान से सुनो। के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो हम कंसंट्रेशन रखते हैं वो किसकी रखते हैं, जो इक्विलिब्रियम पे आती है हमारी,
इक्विलिब्रियम पे कितनी कंसंट्रेशन बची, और क्यू के केस में जो कि रिएक्शन कांस्टेंट है उसमें आप कोई भी कंसंट्रेशन रख सकते हो, स्पेशली लिखा हुआ है विच इज नॉट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम वाली भी रख सकते हो और कोई भी रख सकते हो, जबकि के इक्विलिब्रियम में कंपलसरी होता है कि इक्विलिब्रियम वाली कंसंट्रेशन रखनी होती है, ठीक है। अब क्यू और इक्विलिब्रियम कैसे इन दोनों को आपस में रिलेट करके बताया जा सकता है कि आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है बैकवर्ड में जा रही है, तो ध्यान रखना अगर क्यूसी आपका केसी से बराबर है तो रिएक्शन कहाँ है वो कहाँ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। इधर आओ, अगर क्यूसी ज्यादा है केसी से तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी, अगर क्यूसी कम है केसी से तो फॉरवर्ड में जाएगी, अगर दोनों बराबर है तो वो इक्विलिब्रियम पे रहेगी, ठीक है। यस मैम, ठीक है। क्यू क्यूसी केसी से कम है मतलब इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये तीन चीजें हैं जो कि ध्यान रखना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, जितना मैंने कराया है अभी एक वो टॉपिक उससे रिलेटेड है, आपको डेल्टा जी दे रखा है, आपको ए बी सी की कंसंट्रेशन दे रखी है, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। होमवर्क ले लो, ये तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है, ली चैटेलियर प्रिंसिपल सबसे ईजी है पूरे चैप्टर का वाला पार्ट और सबसे इम्पोर्टेंट भी है। वो ये बोल रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, किसी रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उस टाइम पे प्रेशर टेम्परेचर कंसंट्रेशन ये सब कॉन्स्टेंट रहती है, बट अगर तुमने इनमें से कोई भी चेंज कर दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, और यहीं पे आता है तुम्हारा ली चैटेलियर प्रिंसिपल। क्या कहता है ली चैटेलियर प्रिंसिपल, वो ये कहता है कि अगर तुमने प्रेशर का चेंज कर दिया, प्रेशर बढ़ा दिया घटा दिया, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बढ़ा दिया प्रोडक्ट की बढ़ा दी, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पे जो आपने चेंज किया है उस चेंज को वो क्या कर रहा हो, खत्म कर रहा हो या मिनिमाइज कर रहा हो। यानी कि सपोज तुमने प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, और प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते हैं, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को कहां शिफ्ट मारेगा, जहां पे प्रेशर कम हो रहा होगा या नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। सिंपल एज दैट। जैसे सबसे पहले इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे अगर मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, ये वाला ही मेरे दिमाग में यही वाला एग्जांपल आ रहा है बार बार, ठीक है। अगर मान लो बच्चों मैंने PCl5 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, PCl5 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो इक्विलिब्रियम अपने आपको कहां शिफ्ट करेगा, जहां पे PCl5 की कंसंट्रेशन कम हो रही है, यानी कि फॉरवर्ड में, ठीक है। अगर मान लो मैंने PCl3 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो कहां जाएगा, बैकवर्ड में, जहां PCl3 की कंसंट्रेशन कम हो रही है। तीसरा पॉइंट, अगर मान लो मैं PCl3 या Cl2 में से किसी की एक कंसंट्रेशन क्या कर दूं, कम कर दूं, तो कहां जाएगा, फॉरवर्ड में जाएगा, जहां पर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो एक बार देख लो यही पॉइंट लिखे हुए मैंने। यस मैम। और कोई भी जितना एडिशन ऑफ एनी, अगर आप कोई सॉलिड कंपोनेंट ऐड करते हो तो वो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता। उसके बाद है प्रेशर, प्रेशर का भी मैं यही सेम एग्जाम्पल, चलो ये वाला ले लेती हूँ, कहोगे मैम आप तो हर किसी में एक ही एग्जाम्पल ले रहे हो, ये ले देंगे, ठीक है जी। ये सारे गैसीय स्टेट में है, ठीक है। चलिए सबसे पहला है, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगी तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, याद करो क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ प्रेशर। इधर आओ, मान लो तुम्हारे पास ये गैस पिस्टन वाला अरेंजमेंट है जो हम थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं, अब तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो तो यानी कि तुम वॉल्यूम कम कर रहे हो, नंबर ऑफ मोल तो सेम ही है। अगर मान लो तुम 5 मोल की गैस ले रहे हो, प्रेशर बढ़ाने से 5 मोल से वो 6 मोल हो जाएगा क्या, नहीं। इधर आओ, तुम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हो, प्रेशर क्या होता है, N/V × RT, यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। पहले मान लो इतने वॉल्यूम में तुम्हारे नंबर ऑफ मोल थे, प्रेशर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम कम हो गया, पर नंबर ऑफ मोल तो वही है, लेकिन तुम्हें दिखेंगे ज्यादा है, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होते हैं, बढ़ते हैं, तो इक्विलिब्रियम अपने आप को कहां शिफ्ट करेगा, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा सा समझने के लिए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने के लिए हम सिंपल ये बोल देते हैं, प्रेशर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम अपने आप को कहां शिफ्ट करेगा, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं। देखो यही लिखा हुआ, एक बार पढ़ो इस इक्वेशन को। यस मैम। यानी कि अगर मैं इस रिएक्शन के लिए लिखूं, प्रेशर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ मोल्स कहाँ कम हो रहे हैं, फॉरवर्ड में, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड में, और अगर प्रेशर कम हो रहा है तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा अपने आप को बैकवर्ड में। यस मैम। लेकिन अगर यही वाली इक्वेशन है, मुझे बताना एक बार, अगर इसमें मैं प्रेशर कम ज्यादा करूं तो क्या होगा,
बताओ। बस नो इफेक्ट, क्योंकि डेल्टा एन जी क्या है यहाँ पे, जीरो। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं होगा। वेरी गुड ज्योति। ठीक है, कैटलिस्ट में क्या होता है, कैटलिस्ट में भी इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं इफेक्ट होती। कैटलिस्ट का सिर्फ का क्या काम होता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाना। अभी ये भूल जाओ मैम, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, क्योंकि अभी आपने काइनेटिक्स में नहीं पढ़ा, ये वो प्रिंट हो गया समझ लो गलती से। बस ये ध्यान रखना कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट स्पीड अप कर देता है, टू स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस की ना, इनर्ट गैस की दो बातें हैं, एक तो कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा अगर मान लो आपको एक और भी थी यहाँ पे स्लाइड, कहाँ गई, कहाँ गई, भाग गई क्या, चलो कोई बात नहीं, चलो मैं यहाँ करा देती हूँ। पहला वाला पार्ट आता है जब आप कोई इनर्ट गैस ऐड करो, कोई भी इनर्ट मटेरियल, उसका मतलब क्या होता है कि वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करेगी। इनर्ट का तो मतलब यही होता है नहीं रिएक्ट करेगी। तो सबसे पहले मैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड कर दूं, तो ध्यान रखना आप क्या कर रहे हो, अपने रिएक्शन मिक्सचर में इनर्ट गैस डाल रहे हो, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, ये दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, नो इफेक्ट। बोलो यस मैम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपने इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर पर डाल दी, तो यानी कि जो आप गैस डाल रहे हो उससे वॉल्यूम बढ़ गया। अब इसको छोड़ दो, ये लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है, बकवास है, ये मत ध्यान रखना जो मैं बता रही हूँ, वही ध्यान रखना। अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे, सोचो। यस मैम। अगर आप कॉन्स्टेंट प्रेशर पे गैस डाल रहे हो तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा, कुछ ऐड कर रहे हो तो नंबर ऑफ मोल्स, जो पहले आपको इतने वॉल्यूम में मोल्स दिख रहे थे, अब आपको इतने वॉल्यूम में दिखेंगे, यानी कि आपको दिखेगा कम हो गए, बट एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, बट नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम वो कम होंगे। तो यानी कि इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, ये मत लर्न करना जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर वेयर नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस। ठीक है, एग्जाम्पल तो 5-6 देने हैं मेरे को। ठीक है, उससे पहले टेम्परेचर की बात कर लेते हैं, फिर तो मैं एग्जाम्पल दूंगी। ठीक है, चलिए अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा और क्या नहीं होगा ध्यान रखना। अगर आपका टेम्परेचर, इधर आओ, टेम्परेचर सपोज एक काम करते, चलो मैं एक रिएक्शन ले लेती हूँ ए बी प्लस सी। ठीक है, डेल्टा एच इसमें नेगेटिव है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बच्चों। यस मैम। पॉइंट क्या बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गया, आई नो आप भी थक गए होंगे। डेल्टा एच नेगेटिव है, बस 5 मिनट दे दो मैम को। डेल्टा एच नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो याद रखना एक चीज बता रही हूँ, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है कि फॉरवर्ड वाली मेरी एक्सो है, तो पक्का बैकवर्ड वाली कैसी रहेगी, एंडो रहेगी। और एक चीज ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रिएक्शन, या मैं बोलूं इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा, एंडो, एंडो वाली डायरेक्शन में जाएगा, एंडो डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, yes, ma'am. ठीक है, तो यानी कि अगर यहाँ पे अगर मैं आपको बोलू बच्चों मैं चाहती हूँ कि मुझे प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट जो हो ज्यादा मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा दोगे तो एंडो वाली डायरेक्शन में जाएगी, और एंडो वाली क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यू हैव टू लोअर द टेम्परेचर अगर आपको प्रोडक्ट साइड में जाना है, बस एज सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं करना। आई थिंक क्वेश्चन करने चाहिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, उसके थ्रू समझाती हूँ आपको। ये कंडीशन दे रखी है और आपको बोला हुआ है द कंडीशन फेवरेबल फॉर द रिएक्शन, मतलब वो जानना चाह रहे हैं कि इस रिएक्शन के लिए कौन सी कंडीशन फेवरेबल होगी जिसमें हमारा SO3 बहुत ज्यादा बनेगा, और रिएक्शन कैसी है तुम्हारी, एक्सो है, यानी कि रिवर्स वाली कौन सी होगी, एंडो। तो देखो प्रेशर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, जिससे हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो। हैंड रेज कर देना, 3 क्वेश्चन है, 1, 2, 3, 4, 5 आ जाओ। बस 2 ही बच्चों ने हैंड रेज किया, बाकियों को नहीं आता, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ज्योति आप बताएंगे बेटा,
ज्योति गर्ग मैम लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। शाबाश, बहुत बढ़िया। हाई प्रेशर करोगे तो कहाँ जाएगा, जहां पे नंबर ऑफ मोल कम हो रहे हैं यानी कि फॉरवर्ड, ठीक है। और अगर टेम्परेचर ज्यादा कर देते तो बैकवर्ड जाता, क्योंकि एंडोथर्मिक वाली डायरेक्शन में जाता, तो यू हैव टू टेम्परेचर लो। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बहुत बढ़िया चल रहे हो। द इक्विलिब्रियम, ये वाला इक्विलिब्रियम है, ठीक है, उसको क्लोज रिजिड कंटेनर में जो है अटेन किया गया है और उसमें इनर्ट गैस डाली है, बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर किसी ने एक वर्ड को पकड़ लिया ना तो आंसर आ जाएगा। दक्ष, दक्ष बता बेटा। ए, शाबाश। क्लोज कंटेनर का मतलब क्या है, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं होगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो, मजा आ रहा है। यस मैम। चलो सारे ही करवा दिया मैंने, तुम्हें देख लो 1.5 घंटे में पूरा इक्विलिब्रियम उड़ा दिया मैंने, और कल 1 घंटे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एंड इंक्रीज इन द वॉल्यूम। अब देखो वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ गया तो कौन सा करोगे, कौन सा फॉर्मेशन होगा। तुम वॉल्यूम और प्रेशर को इन वो मान सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शन, कि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो मतलब प्रेशर कम हो रहा है। तो अगर प्रेशर कम होगा तो रिएक्शन कहाँ जाते हैं, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कहाँ ज्यादा हो रहे हैं, यहाँ तो कम हो रहे हैं, यहाँ तो चेंज ही नहीं हो रहा, और यहाँ पे कितने हैं, 4 इसके हैं 5 इसके हैं, तो बी होगा आंसर, क्योंकि ये तो लिक्विड के लिए नहीं मानते हो, लिक्विड कंसिडर नहीं करना, ठीक है, गैस के मोल्स कंसिडर करने हैं। चलिए एक और कर दो बस, फिर मैं आपको छोड़ती हूँ। नहीं दो और है, दो और कर दो बस। ये इक्वेशन है, आपको बताना है डायरेक्शन इन विच द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, ध्यान रखना है एंडोथर्मिक है। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो कहां जाएगा, और प्रेशर इज इंक्रीज बाय एडिंग एन टू एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, दोनों बताने आपको। बताओ जिसका आंसर आ गया चैट बॉक्स में डाल दो जल्दी। डी आ रहा है, बी 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 बी, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया, ठीक है। इधर देखो, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंडो वाली डायरेक्शन में जाएगा यानी कि फॉरवर्ड में। इन्होंने पूछा टेम्परेचर कम कर दिया तो रिएक्टेंट वाली साइड जाएगा, प्रेशर को इंक्रीज किया बाय एडिंग एन टू, यानी कि वॉल्यूम क्या है, कॉन्स्टेंट है। यस, और अगर वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो भैया बहुत बढ़िया, शाबाश, अपने आपको शाबाशी दे दो। और एक लास्ट क्वेश्चन कर लो। रिएक्शन दी हुई है, डेल्टा एच नेगेटिव है, आपको बताने कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहले बता दूं इनकरेक्ट पूछा है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, सुपर डुपर। हो रहा है? Yes, ma'am. इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, नीट का है क्वेश्चन। ma'am, A या D में से होगा? इनकरेक्ट पूछा, D तो ठीक लग रहा है मेरे को। Yes, ma'am, A option होगा। बाकी एक बार बताओ। ma'am, C. C. A में क्या दिक्कत आ रही है? बाकी? ma'am, क्योंकि B, C और D option तो सही है। B लग रहा है? नहीं बच्चों, यहाँ पे तुमने गलत, देखो प्रेशर बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा, जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो रहे हैं यानी कि फॉरवर्ड में, तो ये तो आई थिंक ठीक है, ये तो ठीक है, करेक्ट है ये तो, ठीक है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है। उसके बाद इनर्ट गैस का एडिशन एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये भी ठीक है। yes, ये वाला देखो, सी वाला ए आएगा इसका आंसर, सी वाला देखो, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट डिक्रीज एट द टेम्परेचर इंक्रीजेस, हाँ अभी तो बताया एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट हो जाता है, कम हो जाता है, तो ये भी ठीक है। यस मैम।
ए गलत है, ए में देखना क्या बोल रहा है, साफ साफ पता लग रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लार्ज, मतलब अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब है रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है, वो हमें पता है। तो वो कह रहे हैं नो कैटलिस्ट रिक्वायर्ड, नहीं कैटलिस्ट का ये काम थोड़ा ना होता, उसको मतलब ही नहीं है, उसको केसी की वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ कैटलिस्ट हम डालते ही इसलिए हैं थोड़ा रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। मैं फिर लिख रही हूँ, कैटलिस्ट का केसी की वैल्यू से कोई लेना देना नहीं आता, हिंदी में लिख रहा आधा मैसेज वाले लैंग्वेज में लिख रहा, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी, नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ए। तो फाइनली थैंक यू सो मच, मेरे साथ इतनी देर तक बैठे, मेरे को झेला और मैंने आप लोगों को झेला, ठीक है। मैम ज्यादा क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से आएंगे या केमिकल इक्विलिब्रियम से? केमिकल। ओके मैम।